हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। ये देखो, ये भी कह रहा अपनी लैंग्वेज में हेलो हाय गुड इवनिंग। और अभी हो रहा शाम का 7 बज रहा है अभी। और देखो इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट। आप भी करो हनी, आप भी करो, आप भी करो, क्लैपिंग करो आप, क्लैपिंग। ये देखो, और जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको अपनी पेट की एक्सरसाइज बताऊंगी कि पेट कम करने का, तो मैं किसी और दिन बताऊंगी। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मतलब मैं आज एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं हूँ। थोड़ा मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं किसी और दिन आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और जिस जिसको मतलब वो एक्सरसाइज देखनी है, पता करना है कि पेट कम करने की एक्सरसाइज क्या क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनके लिए वो करूँगी। देखिए, पहले मैं योगा भी करती थी, मैंने योगा भी किया हुआ है, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मैं पहले बहुत फिट रहती थी। जब से हनी सीजर से हुआ है मेरा, इसलिए मैं अब कोई भी योगासन नहीं कर सकती। मतलब करने को कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा डर सा लगता है कि कहीं मेरे टांकों में कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं डरती हूँ। तो इसलिए फिर भी अब 1 साल हो गया है मेरे सीज़र को, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, अगर आप लोग मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि प्लीज़ हमें बताना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये आजकल अपनी फिटनेस पे लगे हुए हैं, एक सेकंड ना। ये देखो, बॉडी के हर हिस्से में खून चल रहा है ना। अच्छी बात है, एक्सरसाइज अच्छी बात है। छोड़ दे पापा। हर किसी को करना चाहिए, कोई अगर पतला भी है उसको भी करना चाहिए एक्सरसाइज। कोई पतला या मोटा होने के लिए नहीं किया जाता है, फिट रहने के लिए, ताकि आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें और आपके सारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो, इसलिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी एक्सरसाइज को इस वे में मत लो कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। पतले होने के लिए कभी मत करो, स्वस्थ फिट रहने के लिए करो। और फिट इंसान से पतला होके नहीं हो सकता है, फिट का मतलब है उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब उसकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। इस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज करिए। और ये देखिए, साबुन ख़त्म हो गए थे, मैंने हनी के पापा से कहा साबुन ले आना, और ये बहुत अच्छा है, जो भी मतलब फैमिली के लिए, फैमिली क्या सभी के लिए, जो अपना खर्चा थोड़ा बचाना चाहता है। और अच्छा है, 90 रुपये में 5 है, वरना ये सिंगल एक लक्स का सिंगल एक था, ये कह रहे थे कितने का था, ये कितने का बोला आपने, सिंगल 27। और अब पांचों को एक साथ मिला के देखा जाए तो 18 रुपये का है, 18 × 5 = 90, तो 90 रुपये में ये 5, तो बचत तो हुई ना थोड़ी बहुत। हनी के ऊपर गिर गया था, आपका नहीं है बेटा, आपका साबुन दूसरा है, ये लो। ये सोच रहा पता नहीं क्या है खाने की चीज, ये देखो उठा नहीं पा रहा है। और आज मैं बनाऊंगी अंडा कड़ी, तो चलो फिर मैं अंडे रखती हूँ। कितने रखूं, कितने रखूं अंडे, हाँ अब एक हमारा हनी भी हो गया ना खाने वाला, तो चलो फिर मैं रखती हूँ अंडा। और हनी ने तो सारे साबुन, वो देखो हनी के पापा कह रहे एक्सरसाइज। और ये देखो, आज मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बिल्कुल लिप कलर में, देख सकते हो हल्का सा पिंक है, देख सकते हो आप। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लिपस्टिक, मैं कभी लगाती नहीं हूँ लेकिन बहुत अच्छी है। ये देखो हनी की खुशी तो देखो। और मुझे एक चीज कहनी है आप लोगों से, मैं आज बहुत खुश हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे 120 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगती है आप तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और जो चीज़ें गलत हो रही है, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे ही गलतियों से ही सीखता है। ये देखो स्कूल में तो किया नहीं, और यहाँ लगे हैं पीटी करने पे, पीटी बोलते ना उसको। तो चलो फिर मैं रखती हूँ अंडे। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और सॉरी यार, मैं कल गुड नाइट बोलना भूल गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं गुड नाइट बोलना भूल गई। और सुबह उठ के मोटो पतलू देख रहा है, और मैंने सब्जी रखी हुई है नाश्ता के लिए, पत्ता गोभी और आलू। कल मैंने सिर्फ पत्ता गोभी बनाई थी और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू। तो अभी मैं मार रही हूँ झाड़ू। चलो फिर मैं फटाक से पहले ये काम कर देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में बात करूँगी आप लोगों से। एक गनी, और अभी जस्ट हमने नाश्ता किया। हनी कुछ नहीं खा रहा है यार, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। हनी कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ दूध पीता है। और ये देखो अभी बर्तन रखे हुए हैं मैंने धुलने के लिए, मतलब बाहर का और कोई दूध नहीं पीता वो, मैं इसको ब्रश फिट करवाती हूँ, ये मेरा ही दूध पीता है। और इतने से क्या हो गया, मेरे को भी दूध नहीं हो पाता अच्छे से। तो ये देखो एक साल का हो चुका है, तो आप समझ सकते हो एक साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, दूध ही से नहीं हो पाएगा। तो ये देखो इसने शुरू हम इसके लिए सेरेलैक ले गए थे, वो भी खाया था इसने, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये सेरेलैक भी नहीं खा रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा है बिल्कुल। ये तो परेशान है हम। ये देखो अब इसको सुलाने की तैयारी है मेरी। मैंने सोचा पहले इसको सुला देती हूँ, फिर मैं किचन का काम करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 10 नहीं बजा अभी, उसके पापा जस्ट अभी गए, और उसके बाद मैंने नाश्ता नुश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया। ये देखो ये जैसे कैमरा ऑन हो रहा है ऐसे नखरे कर रहा है, देख रहे हो? ये पता कैमरा ऑन होते ही ऐसे नखरे कर रहा है, आप लोगों को ब्लेम नहीं होगा। ये देखो कल की पता नहीं कब बनाए थे मैं वीडियो, उस दिन भी ऐसे कर रहा था। ये देखो क्या कर रहे हो ऐसा? नहीं बेटा गंदी बात है, ऐसे नहीं करते, अच्छे नहीं करते ना। ये देखो अच्छा लगता है ना अपना बच्चा जब बड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखो मत करो ऐसे। चलो फिर मैं इसको सुलाती हूँ इसके नखरे। तो ये देखो क्योंकि जब तक कैमरा ऑन रहेगा इसने ऐसे नखरे करने। ये देखो ये देखो ये देखो, और अभी ये देख रहा है, आजकल ये देख रहा है हमेशा मोटू पतलू। मुझे पता है कि बच्चों को ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते, जो अकेला होगा वो समझ सकता है मेरी फीलिंग्स को, कि अकेले मैं काम तो करें कि बच्चा तो संभालें, इसलिए बच्चे को लगाओ टीवी पे। कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो हम समझा देंगे उसे, नहीं समझेगा तो फिर डंडा है, क्यों डंडे से समझाएंगे कि टीवी नहीं देखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक समझदार नहीं हुआ, वो समझने नहीं लगा बातों को, तब तक ऐसे करके हम क्या करना है, ऐसे करके उसको टीवी पे लगा देती हूँ अपने को काम करके। तो उसके पापा चले गए हैं ऑफिस। ये देख चलो फिर मैं फटाक से इसको सुला देती हूँ, फिर बात करूँगी। हाँ जी, मैं सुबह से अभी तक ब्लॉग नहीं बना पाई नाश्ता करने के बाद, मैं इतनी बिजी हो गई थी। आप लोग तो सोच रहे होंगे बरसाने गायब ही हो गई है, और नाश्ता करने के बाद मैंने कितना सारा काम किया। और आज हनी सोया भी नहीं सुबह के टाइम पे। होता क्या है, वो सुबह के टाइम पे जब सो जाता है, मतलब 10-11 बजे के टाइम पे जब वो सोता है, तो मैं अपने बर्तन कपड़े जो जो होता है ना सारा काम कर देती हूँ, और वो सोया ही नहीं आज, इतना सर दर्द। और अभी जस्ट मैंने खाना बना के
खाना खिलाया उसे, दाल चावल बनाया, दाल चावल खा के अभी जस्ट सुलाया है मैंने उसे। उसे सुलाने के बाद मैंने उसके कपड़े धुले हैं, जो कपड़े धोने के लिए थे वो धुले, और अभी जस्ट मैंने कहा थोड़ी बात कर लेती हूँ आपको, आप लोगों से। सुनिए हुआ क्या कि आजकल शादियों का, अब शादियों का सीज़न आने वाला है, आई थिंक आ भी गया है शायद, आजकल में भी शादी है, तो हमारे वहाँ इतने सारे कार्ड आ गए, इतने सारे इन्विटेशन आ गए हैं शादी के लिए। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया आज कि यार जिन लड़कियों की अब शादी होने वाली है उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगी, शायद जो चीज़ मैं बताऊँगी वो उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, और शायद ना भी हो, शायद उनको पहले से पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो हमें बताने वाला कोई नहीं था कि आप ऐसे बनाओ। ज्वेलरी से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ कि जिन लड़कियों की अब शादी होने वाली है, लड़कों की भी, वो अपनी वाइफ के लिए भी बना सकते हैं, जिनके घर में भी शादियाँ हैं वो इन ज्वेलरियों को बना सकते हैं जो मैं दिखाने वाली हूँ अब। बहुत अच्छा है आजकल, हर कोई ऐसे ज्वेलरी बना रहा है, तो मुझे एकदम से हुआ यार, मैंने कहा चलो ये चीज़ बता देती हूँ, किसी के तो काम आएगी, और काश, अब सोचती हूँ काश मुझे भी उस टाइम पे बताया होता किसी ने, तो मैं उसी टाइम बना देती, लेकिन कोई बात नहीं, आप कभी भी बना सकते हो, और मैंने आजकल मैं बनाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो जैसे आप देख सकते हो दो डब्बे, और पहली चीज़ मैं वो बताऊँगी जो आप साड़ियों में कैरी कर सकते हो, यानी मंगलसूत्र, और आप ऐसा मंगलसूत्र बना सकते हो, ये देख सकते हो आप कितना प्रिटी है, ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मैंने तो ये शादी में बनवाया था, और ये देखो ये मेरे ससुराल वालों ने दिया है मुझे, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। तो अगर कोई भी मंगलसूत्र बनाना चाहता है शादी में, अपने शादी में, तो आप ये पेंडल आप कैसा भी बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप ऐसी पेंडल बनाएं, आप कैसा भी बना सकते हो, लेकिन जो ऊपर की ये लड़ी है ये ब्लैक कलर की, और बीच में गोल्ड की पट्टियाँ हैं, ये देख सकते हो आप, ये तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत प्यारा लगता है साड़ी के ऊपर, साड़ी के सूट के ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप साड़ी में इसको पहनोगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये देख सकते हो आप, बहुत प्यारा मंगलसूत्र, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और देख सकते हो आप ये भी बहुत प्यारा है, इसका पेंडल आप देख सकते हो सपना, फोकस नहीं हो रहा है एक्चुअली कैमरा, फोकस नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत प्यारा है। आप लोग, अगर आप लोगों की शादी है, आपके घर में किसी की शादी है, तो प्लीज़ आप इस टाइप का मंगलसूत्र बनाइए, बहुत प्यारा है। आज आप लोगों को पता ही हो गढ़वाल में एक रीति रिवाज है, लोग आजकल बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ लॉकेट बनाते हैं, जो गढ़वाल से होंगे उनको पता है लॉकेट, और कोई ग्लोबंद बनाता है, गढ़वाल में बहुत फेमस है। तो आप लोग लॉकेट मत बनाइए, वो किसी काम का नहीं है, मेरे हिसाब से तो किसी भी काम का नहीं है। आप इस तरीके से मंगलसूत्र बना सकते हो, आप किसी भी शादी ब्याह में इसको पहन के अच्छे से, ये देख सकते हो आप, इसको आप कैरी कर सकते हो, और जैसे मेरा लॉकेट है वो किसी काम का नहीं है, मैं कभी पहनती नहीं हूँ उसको, कभी भी नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, मतलब हैवी सा लगता है। ये देखो आप इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है ना ये, तो आप ऐसा बना सकते हो। दूसरा मैं दिखाती हूँ जो कि आप सूट के ऊपर, जीन्स, अगर आप जीन्स पहनने वाली हैं तो जीन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा है, आप देखो अच्छा है। ये मैंने आपको बताया भी था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया था ये हमारी 3rd एनिवर्सरी में, और इसको बनाए 1 साल हो गया है, देख सकते हो आप कितना प्यारा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे कोई टॉपिक ट्रेंडिंग पे चलता है, उसी तरीके से ये आजकल सभी लोग इसको बना रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग पे है ये वाला, देख सकते हो आप कितना प्यारा है इसको, ये भी मंगलसूत्र की तरह है लेकिन है छोटा, ये देखो ये आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, आप देख सकते हो कितना प्यारा है ना।
आप इसको साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हो, आप इसके सूट के ऊपर भी पहन सकते हो, आप इसको जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा लुक है, देखो आप। ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसका लुक। इसमें बहुत सारे डिजाइन है, ऐसा नहीं कि ऐसी है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ इस टाइप का लुक आप ऐसे बना सकते हो। इसमें बहुत सारे डिजाइन है, इसमें ऐसा भी है, यहाँ पे बड़े बड़े से हैं, मतलब ऐसे गोले गोले जो हैं वो बड़े बड़े भी हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये देख सकते हो आप, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा दूँ, मे बी आपके काम आ जाए। ये देखो आप, है ना, बहुत प्यारा, छोटा है, सुंदर दिखता है, मंगलसूत्र का काम भी करता है, और आप इसको किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। ऐसा नहीं आप सिर्फ इसको सूट के साथ पहन सकते हो या फिर आप सिर्फ जीन्स के साथ पहन सकते हो, नहीं, आप जीन्स साड़ी सूट सब के साथ पहन सकते हैं, और बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ज़रूर बनाइए इसे, बहुत प्यारा है ये, मुझे ऐसा लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको गोल्ड का शौक रहता है, और जिनको शौक रहता है वही इन चीज़ों के बारे में उनको अच्छे से पता रहता, तो जिन जिनको शौक नहीं है, जिनको पता नहीं रहता है, तो आप अगर बनानी है एक चीज़ गोल्ड, ऐसा एक बार बना दिया तो बना दिया, और आप इस टाइप बना सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है ना डब्बा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका डब्बा, बहुत प्यारा है पैकिंग। और मेरी शादी को होने वाले हैं 4 साल कंप्लीट, नवंबर में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और इसको भी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उस टाइम पे मैंने ये बनाया था, उस टाइम पे सोना था 26 पे, और समझ सकते हो आप इस टाइम पे कितना महंगा, उस टाइम पे ये बना था 1 लाख का, ये देख सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर पूरे गोल्ड की लड़ी है, मतलब देख सकते हो आप। और ये इसको हो गया 1 साल, उस टाइम पे सोना था आई थिंक 32 पे, तो ये देखो उस टाइम पे ये मैंने बनाया था 25,000 में, और बहुत प्यारे। आप ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई करें, इन दोनों को बनाइए, ऐसे बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, अगर आपको पसंद आता तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, और फैशन के साथ आप चलिए, ऐसा नहीं कि आपने पुराने ज़माने का 5 पत्ती वाला बनाते हैं ना लोग, वो बना रहे हो, तो थोड़ा यू नो डिफरेंट बनाओ। और ये चैन देख सकते हो, ये भी बहुत प्यारी है, ये देखो, ये नए मॉडल की है, मेरे हन्नी की है, उसके बूढ़ा बूढ़ी ने दिया था, और मेरी चैन भी है, लेकिन मेरी चैन हनी ने तोड़ दिया, तो इसलिए मैं अब हमेशा तो इस मंगलसूत्र को घर पे नहीं पहन सकते ना, बच्चा तोड़ रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तब पहन लूँगी मैं, लेकिन अभी बच्चा छोटा है, वो हाथ डालता है दूध पीते टाइम तो तोड़ देगा, ये बिल्कुल ऊपर चिपका है, तो इसलिए इसमें इतना डर नहीं है। उसने मेरी चैन तोड़ दी है, और मेरी चैन भी बहुत प्यारी है, उसका मॉडल भी बहुत प्यारा है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, तो आप लोग ज़रूर बनाइए ऐसे जेवर, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी हनी सोया है, तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर बात करूँगी यार, मैं तो इतनी थक गई ना, मन तो कर रहा थोड़ी बाल वूल वगैरह धो लूँ, लेकिन चलो देखती हूँ क्या करूँ, क्या करती हूँ। 2:30 बजने वाला है, और आज धूप लगी अच्छी सी, अच्छा लग रहा है मुझे, दिखाती हूँ मैं हनी सुबह, एक सेकेंड, अपने को तो महाराजा की तरह सोया हुआ है, और मेरी नींद करेगा हराम, तो चलो जब तक हनी सोया हुआ है तब तक मैं ऐसा करती हूँ, अपने बाल धुल देती हूँ, और ये देखो यार, ये मेरी जब हनी होने को था तब की टी शर्ट है, इतनी ढीली, और अब मैं इतनी पतली हो गई, देख सकते हो आप, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना आपको, कि आपको कि किसी को भी आपकी प्रेगनेंसी के कपड़े आप पे जब ढीले होते हैं तो अच्छा लगता है कि यार चलो हम पतले हो रहे हैं। और चलो फिर मैं पहले थोड़ी बाल ही धो देती हूँ, अगर हनी नहीं उठता है तो, और फिर उसके बाद
थोड़ी सी आराम करूँगी, फिर शाम को मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। ये देखो गनी भाई उठ गया है, और आज आपको बिलीव नहीं हुआ, हनी सोया 3.5 घंटे तक सो गया था, ये 2:15 पे सो गया था, और अभी उठा है, 5:30 हो चुका है। उसके पापा भी आए और उसके पापा भी लेट गए। मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैंने बाल धुले, मैंने उसके बाद बाल धुले और फिर अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह की, फिर थोड़ी देर मैं भी सो गई, और अभी हनी उठा। ये देखो क्या कहा है, सोना पुत्र कहा है। देखो अभी मेरे बाल सूखे भी नहीं है ढंग से, ये देख सकते हो, ये फिर सो गया ये। चलो फिर मैं फटाक से चाय बनाती हूँ। हनी के पापा उठो और उसको पकड़ो जरा, मैं चाय चूई बना दो। आप हाथ मुँह धुल लो या तो। देखो धूप भी जा चुकी है और हनी को अभी भी नींद आ रही है। आज पता नहीं रात को क्या करेगा, कल रात भर रो रहा था ये, और क्योंकि नींद तो पूरी दिन में पूरी कर दे रहा हूँ, तो फिर रात को कितना तो सोएगा या कोई भी ना। तो ये देखो कैमरा ऑन होते हैं उसके नखरे, देखो ये देखो। आप भी करो ऐसे, करो, आपने देखा अभी कैसे नखरे कर रहा था ये, कि ऐसे नखरे करता है जैसे कैमरा ऑन हुआ मुँह हड़बड़ा रहा है। जैसे कैमरा ऑन हुआ वैसे हनी के नखरे शुरू। तो ये देखो चलो फिर मैं चाय बनाती हूँ और मैं अपना वीडियो, चाय क्या वो शूट करना है, तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये फिर से सोने लगे हैं। देखो चाय चूई बनाऊंगी, हाथ मुँह धुलूंगी, और ये देखो पापा के पास जाओगे तो प्लीज़ फॉर्मेलिटी समझ लो, क्योंकि मुझे पता है जिसको करना होगा सब्सक्राइब वो तो करेगा ही, मत करो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि वीडियो उनको अगर ठीक भी लग रही, वीडियो देख भी रहे हैं वो, लेकिन तब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।